हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम आ गए पैटर्न के, राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न टाइप के प्रोग्राम्स लेके। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, सेम ही करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करते टाइम क्या करना है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो कितने हैं टोटल, रो कितने हैं, 5 रो है टोटल, ठीक है। तो अभी सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, फिर वॉइड मैन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो वॉइड मैन ओपन किया मैंने, इसको अभी इंट में मुझे लेना है, आई और जे लेना है, ठीक है। आई और जे रो के लिए, कॉलम के लिए, ठीक है। रो के लिए आई, जे के लिए कॉलम, कॉलम के लिए जे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर लूप, ठीक है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, 5 5, क्योंकि टोटल 5 रो है, ठीक है। 5 रो है तो लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस, हर टाइम आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। अब उसके अंदर लिखना है मुझे फॉर कॉलम के लिए, एक बार फर्स्ट आई का वैल्यू 1 है तो एक ही बार चलना चाहिए कॉलम, जब आई का वैल्यू 2 हो गया तो 2 बार चलना चाहिए कॉलम, ठीक है। आई का वैल्यू 3 होगा तो 3 टाइम्स चलना चाहिए जे का कॉलम, ठीक है, कॉलम का जे, ठीक है। तो आई का वैल्यू 4 होगा तो 4 टाइम्स चलना चाहिए जे कॉलम, ठीक है। तो अभी जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई लिखूंगा सिंपली, क्योंकि राइट एंगल में मुझे यही कंडीशन लिखना पड़ता है, जे लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पे जे प्लस प्लस किया मैंने, फिर ब्रैकेट प्रिंट कर क्या करना है वो देखना है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आप इसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो प्रिंट एफ में मुझे परसेंटेज डी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है मुझे सिंपली, यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है वो देखना है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि क्या सेम दिख रहा है, रो सेम दिख रहा है कि कॉलम सेम दिख रहा है वो देखना होता है, ठीक है। रो सेम दिख रहा है कि कॉलम सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सेम रो सेम दिख रहा है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, तो यहाँ पे रो सेम दिख रहा है, तो मुझे मतलब आई सेम दिख रहा है, कॉलम क्या होता है जे होता है और आई रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आई प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, जो सेम होता है वो प्रिंट कर देने का डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कॉलम रो सेम दिख रहा है, इसके लिए मैं डायरेक्ट आई प्रिंट किया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें न्यू लाइन, बार बार हमें न्यू लाइन में जाना है हर रो कंप्लीट होने के बाद। तो एग्जांपल के थ्रू अभी समझते, ठीक है। आई का वैल्यू क्या था, 1 था यहाँ पे, 1 लेस देन 5 है तो वापस अंदर आएगा, जे का वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन 1 है, आई में तो 1 ही था तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है, आई में क्या था 1 था तो 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जे का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा तो 2 लेस देन 1 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, अगेन बाहर आ जाएगा, बाहर क्या न्यू लाइन है, तो न्यू लाइन में आ गया मेरा कर्सर, ठीक है। तो अब आई का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया तो 2 लेस देन 5 है तो अंदर आएगा, तो अंदर आएगा, आई का वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है। और जे में कितना है, 1 है तो 1 लेस देन 2 है, तो क्या प्रिंट करना है, आई प्रिंट करना है, आई में तो मेरा क्या था, 2 था, ठीक है, तो आई में मेरा 2 था, 2 प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू कितना था, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, आई में तो 2 ही था तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो वापस आई प्रिंट करना है, तो आई में तो 2 ही था, 2 प्रिंट होगा, तो अगेन ऊपर जाएगा, आई आई में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा तो 3 लेस देन 5 है तो अगेन अंदर आएगा, तो ये लूप कितने, अभी आई में कितना होगा, 3 हो गया, आई में 3 हो गया तो ये लूप भी 3 बार चलेगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पे, आई प्रिंट हो रहा है, आई में तो 3 है ना, तो ये लूप 3 बार चलने वाला है, जैसे कि हमने पिछले टाइम देखा कि 2 आई का वैल्यू 2 था तो 2 बार चला, आई का वैल्यू 1 था तो 1 बार चला, आई का वैल्यू अब 3 हो गया तो ये लूप 3 बार चलने वाला है, ठीक है। तो ये लूप 3 बार चलेगा तो आई का वैल्यू क्या, 3 3 3 प्रिंट होगा, 3 3 3। अब आई का वैल्यू कितना होगा, 4 4 लेस देन 4 5 है तो अंदर आएगा, अब आई का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, तो 4 हो गया है तो ये लूप कितने बार चलने वाला है, 4 बार चलने वाला है, तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा कितने बार, 4 बार, 4 4 4 4, क्योंकि आई में 4 ही था। तो अब आई का वैल्यू कितना हो गया ऊपर, 5, तो अंदर आएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो 5 जे लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 टाइम्स ये लूप चलने वाला है, जे का वैल्यू 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो 5 बार आई प्रिंट कर गए, आई में कितना था, 5 था, तो 5 5 5 5 5, तो ये था हमारा प्रिंट हो गया ऐसा पैटर्न। तो उसके बाद गेस सी एच लास्ट में लिखना पड़ता है और क्लोज करना होता है, ठीक है इसको। तो ये था मेरा पैटर्न किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, रो सेम था इसमें, ये था, ठीक है, सेम प्रोग्राम बाजू में, सेम प्रोग्राम कुछ नहीं, लेकिन इसमें क्या करना है, क्या सेम है, कॉलम सेम है, कॉलम सेम है तो क्या प्रिंट करना होता है, जे। अगर रो सेम है तो आई प्रिंट करो, अगर कॉलम सेम है तो जे प्रिंट करो। तो सेम प्रोग्राम एज इट इज़ कॉपी करना है, सिर्फ प्रिंट करते टाइम मुझे यहाँ पे जे प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, इसको भी करके, ठीक है। तो हैज़ इंक्लूड
एस टी डी आयो नॉट एच, फिर वॉइड मैन, वॉइड मैन, फिर उसके बाद ओपन, फिर इंट, रो के लिए आई ले लिया और कॉलम के लिए जे ले लिया, फिर उसके बाद फॉर लूप, फॉर यहाँ पे रो टोटल कितने चार रो है, 1 2 3 4 ठीक है, चार रो है, तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर कॉलम के लिए, कॉलम के लिए फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा मुझे यही कंडीशन लेना है, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जितने टाइम रो है उतने टाइम ही कॉलम चलना चाहिए, ऐसा रूल है ठीक है। तो जितने टाइम रो है मतलब आई का वैल्यू 1 है तो एक टाइम चलना चाहिए, आई का वैल्यू 2 है तो दो टाइम रो चलना चाहिए ऐसा ठीक है। तो जे प्लस प्लस किया, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है मुझे, मैंने बोला कि जो सेम है उसको प्रिंट कर दो, मतलब यहाँ पे कॉलम सेम है तो जे प्रिंट कर दूंगा, परसेंटेज डी जे प्रिंट कर दिया यहाँ पे मैंने और क्लोज किया। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ न्यू लाइन हमेशा लिखना पड़ता है, हर लूप को कंप्लीट होने के बाद न्यू लाइन में आना चाहिए कर्सर, तो इसको मैंने क्लोज किया ये वाले फॉर लूप का बड़े वाले ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल अभी समझ के देखते ठीक है। तो आई का वैल्यू 1 था तो 1 लेस देन 4 है तो अंदर आएगा वापस, तो जे का वैल्यू भी यहाँ पे 1 है तो जे 1 है, आई भी 1 है ठीक है, तो जे लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या प्रिंट करना है जे, तो जे में तो 1 ही था, 1 प्रिंट हो गया। अब जे का वैल्यू 2 हो गया तो 2 लेस देन 1 है क्या, नहीं ना, तो बाहर आएगा, बाहर आया तो न्यू लाइन में आ गया, न्यू लाइन में आ गया तो ऊपर जाएगा, अभी आई का वैल्यू कितना होगा 2, आई का वैल्यू 2 हो गया तो 2 लेस देन 4 है तो अंदर आया, यहाँ पे आई का वैल्यू अब 2 हो गया, आई का वैल्यू 2 हो गया और जे में तो 1 ही था तो 1 लेस देन 2 है तो जे प्रिंट होगा, तो जे में तो 1 था, 1 प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू 2 हो गया तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 है तो वापस जे प्रिंट करना है, जे में तो 2 था तो 2 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा अब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू 3 हो गया, तो अब ये लूप मेरा 3 बार चलने वाला है ठीक है। तो आई का जे प्रिंट करना ना यहाँ पे 3 बार, तो एक बार 1 प्रिंट हुआ, फिर जे का वैल्यू 2 होता है, 2 प्रिंट होता है, फिर 3 होता है, 3 प्रिंट होता है ठीक है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चौथे टाइम मेरा आई का वैल्यू 4 हो जाएगा और जे मेरा प्रिंट होगा, जे कितना होगा, जे में 1 होता है फर्स्ट टाइम, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर ऐसा प्रिंट हो गया मेरा पैटर्न। तो ये था मेरा पैटर्न का प्रोग्राम राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है, नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।